मेरा नाम खुबैब खलील है और मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हूँ। मेरा ताल्लुक करक से और मैं डिस्ट्रिक्ट कोहाट से खेलता हूँ। और जैसे बचपन से शौक़ था क्रिकेट खेलने का, गली मोहल्ले में खेलते थे, तो अब एकेडमी में एडमिशन नहीं दिला रहे थे, तो हमारे गली में कोच था, मतियुल्ला नाम है उसका, उसने मेरे अबा के साथ बात किए, तो फिर उसके बाद एडमिशन मिली है। घर के हालात अच्छी नहीं थे तो इसलिए एडमिशन नहीं दे रहे थे, इजाज़त नहीं दे रहे थे अबू, तो मत्ती भाई ने एडमिशन दिलवाई है एकेडमी में, इस्लामिया क्रिकेट एकेडमी है। जिस तरह मुझे एकेडमी ने सपोर्ट किया है, इस्लामिया क्रिकेट एकेडमी वाले ने, जिसके हमारा कोच था काजी शफीक लाला, मैनेजर हज़र हयात नाम है उसका, और भी कोच हैं, सदीक भाई हो गया, वकार भाई हो गया, मत्ती भाई हो गया, तो जिस तरह इन लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया है तो मैं तो इसका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद हम ट्रायल आए अंडर 13 के, मैंने अंडर 13 में ट्रायल दिया, उसमें सेलेक्ट हुआ, तो उसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ। उसके दो साल बाद मैंने अंडर 16 खेला हूँ केपी से, उसमें और भी एक्सपीरियंस हुआ। फिर उसके एक साल बाद मैं अंडर 19 खेला हूँ केपी से, तो उसमें परफॉर्मेंस हुए, लेकिन इतने नहीं हुए जिस तरह इस साल हुए हैं परफॉर्मेंस, तो इतने ऊपर लेवल पे आ गए हूँ। तो क्रिकेट मैंने बहुत मुश्किलात में खेली है, मैं साथ साथ सर्विस काम भी करता था, दिहाड़ी भी की है मैंने, तो जितने मुश्किलात में मेरी क्रिकेट खेली है, क्योंकि घर के हालात इतने ठीक नहीं थे। तो फिर जिस तरह अंडर 19 खेल रहा हूँ, थोड़े बहुत पीसीबी ने पैसे अवॉइड किया हमारे लिए, तो उससे मैंने सामान लिया है। बचपन से मैंने दो साल अपने जो एकेडमी का कोच था मत्ती भाई, उसका सामान यूज़ किया है दो साल, मतलब जो बॉलिंग मैंने देख के स्टार्ट किए हैं और डेल स्टेन को देख के स्टार्ट किए हैं, और बैटिंग में हफीज़ भाई को। तो अभी जो क्रिकेटर में जो मेरा फेवरेट वसीम जूनियर हैं, तो अभी मैं वसीम जूनियर को फॉलो करता हूँ। पेरेंट्स नहीं मान रहे थे क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं थे, तो इस वजह से वो नहीं मान रहे थे। लेकिन जैसे मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया अंडर 13, अंडर 16 और फिर अंडर 19 खेल के, तो वो थोड़ा खुश हो गए मेरे से। अभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जो पहले उनकी जो ख्यालात थे वो अभी बहुत चेंज हुए हैं, अभी वो बहुत खुश हो रहे हैं, मैं भी खुश हूँ, मेरी फैमिली जिस तरह खुश है, अम्मी अब्बू बहन भाई अब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं मेरे से। पहले तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया है कि मतलब एशिया कप में खेलने का मौका मिला पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, अभी मुझे वर्ल्ड कप में मौका मिला है। तो जितना हमने मतलब बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जो सीखा है, तो वर्ल्ड कप में भी इंशाल्लाह वही 100% देंगे। जो अपोजिट टीम होगी तो नहीं लग रहा कि हमारी टीम से कोई अच्छी टीम होगी पाकिस्तान से, तो लेकिन फिर भी टफ टाइम थोड़ा बहुत देंगे वो, तो जितना मेहनत हमने किया है तो इसी दिन के लिए किया है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, पाकिस्तान को खेलने के लिए, तो इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में अच्छा करके पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी जितवाएंगे। एज एल राउंडर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, मेरे 350 रन भी हैं, 14 आउट भी हैं एज एल राउंडर। और फिर हम आए एशिया कप कैंप में, उसमें भी हमने अच्छा किया है, एशिया कप के लिए सेलेक्ट हो गए हैं। एशिया कप में मुझे डेब्यू मिली है अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, उसमें भी मैंने 2 आउट किए हैं। तो अभी उसके बाद ये वर्ल्ड कप कैंप लगे हुए, वर्ल्ड कप में मेरा नाम आ गया है उसमें। जिस तरह हमने बचपन से ही बॉलिंग और बैटिंग पे मैंने काम किया है, तो अभी हमारे साथ पिछले टूर में रेहान भाई थे, उमर भाई थे, कैंप भी लगा हुआ था एशिया कप का, सुहेल तनवीर, सुहेल भाई भी थे। तो जिस तरह बॉलिंग में उन लोगों ने सिखाया है, तो उस पर हम अभी भी इधर वर्ल्ड कप के कैंप में भी काम हो रहे हैं उमर भाई के साथ, और बैटिंग में यूसुफ भाई थे हमारे साथ, एशिया कप कैंप में भी थे और अभी वर्ल्ड कप में भी है। तो इंशाल्लाह जिस तरह यूसुफ भाई ने बताया है बैटिंग के बारे में, उसी पे वर्क जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है वर्ल्ड कप में जाके अच्छा करेंगे।